तो हिमाचल प्रदेश में बता दें कि चुनाव आने वाला है और इसको लेकर के कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। क्या कुछ नेताओं का कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जयराम रमेश जी नीति आयोग की बैठक के बाद बयान दिए थे, मुझे जहाँ तक याद है। जयराम ठाकुर जी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अब तो जाने वाले हैं कुछ दिनों बाद, उन्होंने ये बयान दिया था। नीति आयोग की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री जी उसमें बैठक लिए थे और हमारे छत्तीसगढ़ के योजनाओं को उन्होंने प्रशंसा भी की, खासकर जो गोबर खरीदी और गौमूत्र खरीदी योजना का। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सीधा वो पैसा मांग लिया, उसका जवाब तो कुछ दिया नहीं। बाहर में आके ठाकुर साहब बयान दे रहे हैं। ये राज्य के और वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है और राज्यों को भी ये अधिकार है कि वो पेंशन योजना लागू कर सके, और हमने लागू किया है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उस पैसा को देना ही पड़ेगा, रोक नहीं सकते। जैसे हमने राजीव गांधी किसान हमको 25 रुपये देने से मना किया ना, धान खरीदने के लिए हमने रास्ता निकाला। आज छत्तीसगढ़ में पूछ लीजिए, 9,000 रुपये एकड़ मिल रहा है। अभी तक 3 की दीपावली के पहले 17 अक्टूबर को 2,000 करोड़ रुपया राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, इन सारी योजनाओं को 2,000 करोड़ रुपये बांट के आया हमें यहाँ प्रचार करने। धन्यवाद। तो हिमाचल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी इस वक्त की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है और ऐसे में बता दें कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अब जारी कर दिया है।